भिंड में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर हमला हो गया। आरोपी और उसकी बेटी समेत पत्नी ने पुलिस पर हमला कर दिया। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। इतना ही नहीं, फायरिंग के दौरान पिता की बंदूक में राउंड फंस जाने के बाद बेटी ने मोर्चा संभाला और पिता को बचाने उतर आई। बेटी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जबकि आरोपी की पत्नी ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस हमले में कांस्टेबल भी घायल हो गया। मामला अटेढ़ थाना क्षेत्र के रानीपुरा गाँव का है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट ने जेल भेज दिया है, जबकि आरोपी की पत्नी और बेटी पर भी पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है। सर बताएं क्या घटना हुई है। थाना अटेर अंतर्गत ग्राम रानीपुरा में शादीलाल यादव के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उसका रिकॉर्ड भी है, 8-7-8 अपराध पहले के पंजीबद्ध है। 1336 के अपराध में फरार भी था। उसके बारे में सूचना मिली कि बाजरा के खेत में अवैध 12 गोल बंदूक की वो बैठा हुआ है। इस सूचना पर TI अटेर मय फोर्स के वहाँ पहुँचे और उसको घेराबंदी कर उसको पकड़ने का प्रयास किया, तो उसने फायरिंग करने लगा। पुलिस पार्टी के ऊपर जाम से मारने लिया से फायरिंग की। उसने 4 राउंड चलाए, उसमें एक कारतूस उसका मिस हुआ। वैसे ही पुलिस ने उसको दबोच लिया। जब उसको लेकर चलने लगे तो उसकी पत्नी ने पत्थर मारने शुरू कर दिए और लड़की से बोला कि तू दूसरी बंदूक निकालना। शादीलाल भी चिल्लाया और उसकी पत्नी शिवानी थी वो भी चिल्लाई। तो उसकी सरोज जो लड़की थी वो ऊपर छत पर जाके और फायरिंग करने लगी। जान से मारने की वजह से हमारी पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करने लगी। दरअसल अटेर के रानीपुर के रहने वाला शातिर बदमाश शादीलाल की तलाश पुलिस को काफी महीनों से थी। शादीलाल पर मारपीट फायरिंग जैसे एक दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश अपने घर आया हुआ है। इसकी सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। दबिश के दौरान बदमाश घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठा था। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। बदमाश शादीलाल ने पेड़ की ओट लेकर पुलिस पर गोलियां दागना शुरू कर दिया। बदमाश द्वारा पुलिस पर फायरिंग होता देख पुलिस ने गाड़ी की आड़ ली। इसी दौरान बदमाश की बंदूक में कारतूस फंस गया। यह देख पुलिस बदमाश को पकड़ने आगे बढ़ी। वैसे ही बदमाश ने अपनी बेटी शिवानी को दूसरी बंदूक लाने की आवाज दी। बेटी बंदूक लेकर घर की छत पर चढ़ गई और उसने अपने पिता को बचाने के लिए पुलिस के सामने मोर्चा संभाल लिया। बेटी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इतना ही नहीं, बदमाश की पत्नी ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके। भिंड से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।